जो सभी जीवों के स्वामी हैं, जो सर्पों को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जो बाघ की खाल को सुशोभित करते हैं, सूर्य चंद्रमा और अग्नि उनके तीन नेत्र हैं, तथा वो जटाधारी है, बाश अंकुश और त्रिशूलधारी है। वे अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देकर उन्हें भय से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड के स्वामी एवं वाराणसी के भगवान श्री विश्वनाथ की हम वंदना करते हैं। मैं आदि नगरी काशी, वही काशी जो स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल पर विद्यमान है। सृष्टि के प्रारंभ में महादेव ने जब पृथ्वी पर अपनी दृष्टि डाली तो उन्हें एक भाग चमकता हुआ प्रतीत हुआ। उसी भाग को भगवान शिव ने काशी का नाम दिया। कालांतर में गंगा नदी के तट पर बसी इस काशी नगरी में समय समय पर अनेकों घाट विकसित हुए, जहां श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना एवं स्नान किया करते थे। माना तो यह भी जाता है कि यह नगरी एक बहुत सुंदर वन से ढकी हुई थी, जहां पीपल आम बरगद शीशम आदि के वृक्ष हुआ करते थे, जिनकी छाया में बैठ ऋषि मुनि साधु संत आनंद से तपस्या किया करते थे। इसलिए इस जगह का उल्लेख आनंद वन के नाम से भी किया गया है। जितनी पुरानी काशी नगरी है उतना ही पुराना यहाँ का काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। भगवान शिव को विश्वेश्वर विश्वनाथ आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है, जिनका अर्थ है संपूर्ण विश्व के स्वामी। किंवदंतियों की माने तो सृष्टि के आदि में जब भगवान शिव एवं माँ पार्वती पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे, उन्हें यह स्थान बहुत प्रिय लगा। तब माँ पार्वती को यहाँ कुछ समय रुकने की इच्छा हुई तो भगवान शिव अपने लिंग रूप में यहीं स्थापित हो गए। तभी से 12 ज्योतिर्लिंगों में इस मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाने लगा, जहां भगवान शिव और माता पार्वती सदैव वास करते हैं। सदियों से इस पवित्र नगरी ने अनेक ऋषि मुनियों तपस्वियों धर्म गुरुओं आदि को अपनी ओर आकर्षित किया है। आदि शंकराचार्य एवं मंडन मिश्र ने इसी मंदिर के प्रांगण में बहुत समय व्यतीत किया। समय बदला, दौर बदला, भारत के स्वर्णिम काल पर विदेशी आक्रांताओं की नजर पड़ी, जिसे वे लूटने एवं सनातन संस्कृति को नष्ट करने के उद्देश्य से यहाँ आए। जब प्रथम बार गौरी ने आक्रमण किया तब पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह पराजित किया था। अंत में उसने क्षमा मांगी और वचन दिया कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। अतः पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया। संभवतः यह एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था, क्योंकि अंततः गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हराया। तत्पश्चात उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया तथा उनकी दोनों आंखें भी निकाल दी। पृथ्वीराज की मृत्यु के उपरांत हिंदुओं का मनोबल कमजोर पड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप आततायियों ने अन्य मंदिरों के साथ साथ विश्वनाथ मंदिर को भी क्षति पहुंचाई। यह ऐसा काला दौर था जिसके स्मरण करने मात्र से आंखें नम पड़ जाती हैं। परंतु समय सदा एक सा नहीं रहता, और दुख के ये बादल भी सुख में बदलने वाले थे। एक धार्मिक सम्मेलन में राजा टूडरमल की भेंट नारायण भट्ट से हुई। नारायण भट्ट एक बहुत धनी व्यक्ति थे, दोनों ही धार्मिक इंसान थे
और नित्य प्रति भगवान की पूजा अर्चना करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। दोनों ने काशी विश्वनाथ के इस पावन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और वीरान पड़े खंडहरों में एक नई जान डाल दी। 16वीं सदी में संत तुलसीदास ने यह रामचरितमानस की चौपाइयों को पढ़ा था तथा संत एकनाथ ने भी यहीं पर वाकरी संप्रदाय का महान